आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल के माध्यम से पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर आपका पैन कार्ड गुम हो गया है तो उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप गूगल क्रोम में जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए डिजी लॉकर। .go डिजी लॉकर में जाने के बाद यहाँ पे साइन इन कीजिए। अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करना होगा। ये मेरा डिजी लॉकर बन चुका है, इसलिए मैं आपको साइन इन करके बताऊँगा। इसके दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा कि डिजी लॉकर को कैसे साइन अप करते हैं, उसमें अपने आधार कार्ड के माध्यम से कैसे लॉग इन होते हैं। चलिए, इसमें सिर्फ केवल मैं आपको पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, तो उसके लिए साइन अप क्लिक करता हूं। यहां पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। आप जब बनाएंगे ना डिजी लॉकर, तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल चुका हूँ, इसमें लॉग इन होता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ आप अपने अकाउंट में लॉग इन हो चुके हैं डिजी लॉकर में। इसको डेस्कटॉप जैसा बनाने के लिए आपको क्रोम के ऊपर यहाँ पे जो तीन डॉट डॉट बटन दिया गया है यहाँ पे, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कीजिए, तो ये 12 साइज दिखाने लगेगा। अब इसको जूम इन कीजिए। अब यहाँ पे जो लिख रहा है दो नंबर ऑप्शन में, यहाँ पे स्टेट डॉक्यूमेंट इश्यूड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। इश्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको चेक पार्टनर सेक्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर नेम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स वाला कोई ऑप्शन दिया गया होगा ना, उस पर आपको चूज करना होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे शो कर दिया पैन कार्ड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। अब उसके बाद यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर डालना होगा, जो आपका पैन कार्ड नंबर है। चलिए यहाँ पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पे डाल लेते हैं। पेन नंबर और पेन पे जो कार्ड पे नाम नेम है वो डालने के बाद अब यहाँ आपको आई प्रूव माई कॉन्सेंट जो लिखा गया है इतना बड़ा लाइन में, इस पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही अब यहाँ आपका जो पेन कार्ड है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको डाउनलोड हो गया, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओपन कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं जो डिजी लॉकर का पैन कार्ड रिकॉर्ड है वो आपको शो कर दिया। इस पैन कार्ड को आप बैंक में भी या कहीं और सरकारी दफ्तर में भी दे सकते हैं, या डिजी लॉकर ने वेरीफाई किया है। कुछ दिन के बाद पैन कार्ड इसी तरह का होगा, इसलिए इस तरह का शो कर रहे हैं। तो इस पैन कार्ड को आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजी लॉकर में कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें एक नया डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इस